बारिश के दिनों में जो है हमें अपने बालों और स्किन की जो है केयर करने की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है हमें। लेकिन जहाँ बात पैरों की आती है तो हम अपने पैरों को कहीं ना कहीं अनदेखा कर देते हैं, और पैरों के अंदर अधिक नमी होने के कारण, या फिर अगर हमारे पैर बारिश के गंदे पानी में ज़्यादा देर रह रहे हैं, अगर हम अपने पैरों की ढंग से सफाई नहीं करते तो हमें जो है पैरों के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और ये इन्फेक्शन जो है कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि स्किन निकलने के साथ साथ हमारे जो है उंगलियों के अंदर घाव बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं। और अगर हम समय पर इसका इलाज ना करें तो ये समस्या बहुत अधिक बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसकी इस समस्या से निजात पाने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ घरेलू टिप्स बताऊंगी, कुछ घरेलू रेमेडीज बताऊंगी, जो कि आपके किचन में ही ये इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएंगे और इन्हें फॉलो करने पर आप इस समस्या से निजात पाएंगे। इस रेमेडी को जानने के लिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए तक, और पसंद आने पर लाइक भी दीजिएगा। आज ही मेरे चैनल पर आएंगे तो सब्सक्राइब मेरे चैनल, और जो है बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे हर लेटेस्ट अपलोड का नोटिफिकेशन आए आपके पास सबसे पहले। आपका हमारे चैनल इंग्रीज ब्यूटी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रेमेडी है तो वो आप इस प्रकार से बनाएं, और इसके लिए आपको जो है किचन की हल्दी लेनी है। हल्दी को जो है एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर माना जाता है। और आपको क्या करना है, एक स्पून के करीब जो है आप हल्दी ले लीजिए, और पानी की मदद से इसका एक पेस्ट बना लीजिए, और इस पेस्ट को जो है इफेक्टेड एरिया पर लगा लीजिए, और इसे आप दिन में 2-3 बार लग करें ऐसा, और आपको इससे लाभ। दूसरी रेमेडी जो आप तैयार कर सकते हैं, इसके लिए आपको चाहिए होगा, हमारा जो है मेन इंग्रेडिएंट है इसके लिए नमक। जी हाँ, जो आप किचन में यूज़ करते हैं वो आप नमक ले लीजिए, और आपको नमक के जो है 4 स्पून ले लेने हैं, और उसे एक जो है बाथिंग टब के अंदर आप उन स्पून को ऐड कर दीजिए, गुनगुना पानी ले लीजिए आप, और उनके अंदर जो है अपने पैरों को डिप करिए, और इसे आप 10-15 मिनट के लिए डिप करके रखें, और उसके बाद जो है अपने पैरों को आप ड्राई करके जो है कोई क्रीम लगा लीजिए। रेमेडी को भी जो है आप तब तक फॉलो करें जब तक कि आपको आपके पैरों के इस फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा ना मिल जाए। आप इसे डेली कीजिए तो आपको इससे लाभ। के लिए आपको ले लेना है नीम का तेल, और नीम के तेल के अंदर भी जो है एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कि आपके किसी भी जख्म को ठीक करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो इसे आपको क्या है, कॉटन की मदद से आप अपने इफेक्टेड एरिया पर पैरों की उंगलियों के बीच में अगर आपके फंगल हुआ है तो वहाँ पर आप इसे लगाइए, और डेली लगाइए, दिन में आप 2-3 दफ़ा भी लगा सकते हैं, और जब तक लगाइए जब तक कि आपको राहत ना मिलने शुरू हो जाए। तो टिप्स, कुछ घरेलू रेमेडीज जिन्हें फॉलो करके आप अपने इस फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको फिर किसी नए अपलोड के साथ, फिर किसी समय फिर किसी वक्त।